शंकर विच टिप्पर मालिक अते माइनिंग विभाग आमो सामने हो गए ने। माइनिंग विभाग ने रेत नाल भरे 16 टिप्परां नूं जब्त कीता है। सो गढ़शंकर दे विच इह टकराव देखण नूं मिल रहा है। टिप्पर मालिक अते माइनिंग विभाग आमो सामने हो गए ने। माइनिंग विभाग ने 16 रेत नाल भरे टिप्परां नूं जब्त कर लिया। 2 ड्राइवरां नूं भी गिरफ्तार किया गया। टिप्पर मालिका ने धक्केशाही दे इल्जाम लगाए ने। उसके दौरान टिप्पर मालिक कोई भी कागजात नहीं दिखा सके, पुलिस दे इल्जाम लगाया। सो फिलहाल पुलिस अते टिप्पर मालिक जुड़े ने ओ आमो सामने हो गए ने। टकराव की स्थिति जुड़ी है इत्थे नजर आई है। गढ़शंकर तो जुड़ी खबर सामने आई, इत्थे टिप्पर मालिक अते माइनिंग विभाग आमो सामने हो गए ने। माइनिंग विभाग ने रेत नाल भरे 16 टिप्परां नूं जब्त किया है। 2 ड्राइवरां नूं भी गिरफ्तार किया गया। हालांकि टिप्पर मालिका ने धक्केशाही दे इल्जाम लाए ने। पुलिस का हालांकि कहना है कि पूछताछ दौरान टिप्पर मालिक कोई भी कागजात नहीं दिखा सके। तो 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 16 टिप्परां नूं कब्जे च लिया गया। तो टिप्पर मालिका ने धक्केशाही दे पुलिस से इल्जाम लगाने, लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो पूछताछ हुई है तो इन टिप्पर मालिका तो कोई भी कागजात नहीं। सानू कह रहे हैं कि साढ़े को बिल दिखाओ, बिल क्योंकि एक बार बिल देते दोबारा बिल अभी कितों दईए। इस करके गड्डिया खरीदिया भी इतने लख लख रुपया इन्हों का इन्हों इतने अभी भरीए रिश्वतों से फिर साड़िया गड्डिया चलन देंगे। ये कुछ चाहती है सरकार, जे मतलब इस चीज़ का कोई हल नहीं कढ़ती सरकार तो असी आने वाले टाइम के सारे किसान वीर तो नाल लैके ट्रांसपोर्ट वर्कर सारे नाल लैके तो असी इतने धरना देवे। जी पुराने वर्कर भी कांग्रेस के, लेकिन साढ़े ना भी धक्का हो रहा, लोगों ना भी धक्का हो रहा, अभी की करिए। असं आवाज़ ये उठावे पहले इन्होंने ड्राइवर की लोअर कोर्ट चो जमानत कराने की कोशिश करा, सैशन कोर्ट जावे। असी ये मन बना लिया सारे ने भी असी हाई कोर्ट रिट भी पावे इस संबंध। बीती रात मैं पेट्रोलिंग से सगा आनंदपुर साहब रोड से, जितों काफ़ी तादाद जोड़े टिप्पर लोड ओवरलोड बड़ी तेज़ रफ्तारी के नाल एक दूजे को क्रॉस करते आ रहे थे, तो जिन्हों रोक के इन्हों के कोलों कागज पत्र मंगे तो इन्होंने कोई भी कागज पत्र नहीं दिता। किसी भी ड्राइवर ने मास्क नहीं लाया, गड्डिया सारिया ओवरलोड सी। फिर मैं अपनी टीम को बुलाया मौके से, तो जिन्हों ने इन्हों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए, टोटल 16 टिप्पर जोड़े अभी कब्जे च लाए तो 16 मुकदमे जोड़े इन्हों के खिलाफ दर्ज किए। योगेश अरोड़ा साढ़े नाल जुड़ चुके हैं, साढ़े सहयोगी उन्होंने गल करते हैं। योगेश, जिस तरह के नाल लगातार माइनिंग माफिया लैके कई तरह के सवाल उठते रहे हैं और अज जी है टकराव की स्थिति जी हूँ वेखन मिली है। हालांकि पुलिस का कहना है कि टिप्पर मालिका वालों कोई भी कागजात नहीं दिखाए गए, उधर टिप्पर मालिका का कहना है कि उन्होंने धक्केशाही हुई है। की स्थिति इस वेले नजर आ रही है? जी दादा, बीते 2-3 दिन की गल करिए एक मामला सामने आ रहा है कि माइनिंग विभाग वालों टिप्पर या ट्रैक्टर ट्राली जिन्हें भी माइनिंग नाल जुड़े वाहन हैं उन्होंने वालों एक आरोप लगाया जा रहा है कि जे आप हिमाचल चो भी रेटा लेके आने साडे एरिए हुशियारपुर के आले दुआले के एरिए सप्लाई करते हैं बेचते हैं तो माइनिंग विभाग उन्होंने को पैसे लेंदा उसके बारे जी। इसे चलते यह मामला राती सामने आया भी 16 टिप्पर गढ़शंकर पुलिस वालों फड़े गए। हुण टिप्पर मालकां दा अज भी यही आरोप आ भी यह सारा साडे नाल जो भी होया यह माइनिंग विभाग की मिली भुगत ना होया क्योंकि आपां उन्हां नूं पैसे नहीं दे रहे। रिश्वत का मामला कितने ना कितने सामने आ रहा। दूसरे पासे पुलिस वालों साफ तौर पर यह गल कही गई है भी इन्हां वालों कोरोना की हिदायतों की उलंघना की जा रही थी तो इन्हां कोल कागज नहीं सी। हुण एक तरह दोनों जेड़े माइनिंग विभाग और टिप्पर चालक है ये आमने सामने हो गया। टिप्पर चालकों का साफ तौर पर कहना है कि आप जी हिमाचल तो ही रेत लिया के सप्लाई कर रहे हैं या बेच रहे हैं वो बारे भी साढ़े को पैसे मंगे जाते हैं। हूँ ये अगे देखना है भी संघर्ष कि अगे आ रहा क्योंकि टिप्पर मालकों का साफ कहना है भी आप अलग अलग जथेबंदियों ना लैके किसान यूनियन ना लैके यहाँ पूरे कड़े शब्दों की विरोध करा। बिल्कुल अपना विरोध उन्होंने वालों जाहिर किए जाने की गल कही जा रही है, लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई से जोड़ा है वो कर रही है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। किस तरह के नाल असी मान सकते हैं कि जांच अगे वधेगी कि असल जो हकीकत है वो सामने आ पाएगी? कोई इस राह नजर आ रहा है? राधा, इन सिर्फ एक ही राह नजर आ रहा है क्योंकि जेडे टिप्पर मालिक है इस वे बड़े रोष में, उन्होंने वालों यही गल कही जा रही है भी आप बिल्कुल सही थे,
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਟਿੱਪਰ ਮਾਲਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਿੱਪਰ ਮਾਲਕਾਂ ਚ ਰੋਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਟਿੱਪਰ ਮਾਲਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਰੇਤਾ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆ ਪਾਏ।